हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जब भी मैं बात करती हूँ सरेंडर टू डिवाइन, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके आगे फिर भी आते हैं कि मैम पूरा डिस्क्राइब करिए कि कैसे सरेंडर करना है डिवाइन को। कहें तो बहुत इंसान की ईगो टूटती है, पूरी ईगो उसकी क्लैश होगी तब वो सरेंडर में आएगा। कहें तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस लगता है, और अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग आपसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप लोगों से कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप किस एनर्जी में चल रहे हैं, आप कैसा पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, आप कैसा आसपास की चीज़ों के लिए फील कर रहे हैं। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू डिवाइन। अब आप कहेंगे कि हाँ जी, हमने तो छोड़ दिया है सब कुछ, हमने तो डिवाइन पे ही छोड़ दिया है। और बहुत से लोगों को बहुत सी इस तरह के अनुभव भी होते हैं जहाँ उनको ये चीज़ फील होती है कि अब वो पूरी तरह से जो है डिवाइन को सरेंडर है। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्या अपने सच में सरेंडर हो चुके हो डिवाइन को, डिवाइन विल को, तो सॉरी मैं वॉक कर रही हूँ तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ के लिए, अगर आपको लग रहा हो कि मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं वॉक करते हुए बोल रही हूँ, आज मेरा मॉर्निंग वॉक चल रहा है। अगर आपको चेक करना है कि आपको आप टोटल सरेंडर में आए हो या नहीं आए, तो उसका आपको एक रीज़न बता देती हूँ। उसका क्लियर कट तरीका है चेक करने का। इफ़ यू आर इन अगर आप इनर वर्क कर रहे हो एंड स्टिल कहीं ना कहीं लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी तरह से खुद को फियर या डाउट में पाते हैं, ये दो एनर्जीज चेक कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी टाइप के फियर में हैं, फर्स्ट थिंग, या फिर आप किसी भी तरह के डाउट में हैं, सेकंड थिंग, तो मान लीजिए कि अभी आपको और वर्क करने की ज़रूरत है, अभी यू आर नॉट इन कम्प्लीट सरेंडर। ठीक है, पूरी तरह से अभी आप सरेंडर नहीं हो पाए हैं। बात कर लेते हैं पहले फियर की। अगर आप किसी भी टाइप के फियर के अंदर हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का फियर, आपको डर लग रहा है, मान लीजिए आपका आपसे कोई, चलिए अब तो आप तो खैर ऐसी चीज़ें करते नहीं होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आके आपसे उलझ जाते हैं। ठीक है, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बॉसी टाइप के होते हैं कई बार, तो क्या आपको, या फिर हमारे साथ ही जो कार्मिक रह रहे होते हैं, क्या आपसे उन आपको उनसे कभी भी किसी भी टाइप का फियर फील होता है? आपको ऐसा फील होता है कि वो आपको किसी तरह से रोक सकते हैं, आपका कुछ बिगाड़ देना ही फियर नहीं होता कि मुझे तो ये तो मुझे मार देगा या ये मेरे साथ कुछ कर देगा, ओनली यही फियर का रूप नहीं होता। फियर का रूप ये भी होता है कि वो आपके आपको आपके किसी तरह की काम में रुकावट बन सकते हैं, वो आपको कुछ अचीव करने से रोक देंगे, या वो किसी तरह की बाधाएं खड़ी करेंगे आपकी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात है, फियर खोने का भी होता है, लाइफ में कुछ खो देने का फियर भी, कोई और मुझसे छीन लेगा, कोई और मुझसे छीन लेगा, क्योंकि ये दोनों फीलिंग्स साथ में जुड़ी हुई हैं, फियर एंड डाउट, तो कोई और मुझसे ले लेगा, ले सकता है, ये भी फियर का ही रूप है। ठीक है, इफ़ यू आर डाउटिंग योर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर डाउटिंग कि आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि कोई आपसे कुछ ले सकता है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कोई और आपसे ले लेगा, या कोई और किसी चीज़ में आपसे आगे निकल जाएगा या जीत जाएगा, तो आप सरेंडर में नहीं हो। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप की फीलिंग आती है, सरेंडर में कैसे जाना है? देखिए, हम सोचते हैं कि आज हम उठे और हमने सारे फियर और डाउट को वैनिश कर दिया हमारी लाइफ से, ये कोई जादू होने वाला नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। सरेंडर सरेंडर प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे समझ आता जाता है और आप
उन चीज़ों को अचीव करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, आपको अपने ब्लॉकेज पता चलते हैं, आप उनको क्लियर करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आप कंप्लीट सरेंडर में आ जाओगे। सो सरेंडर एक दिन का टास्क नहीं है कि यहाँ हमने कुछ बताया और वहाँ जादू हो गया, ठीक है। सरेंडर इज़ अ प्रोसेस। तो जब कभी आपको फियर आता है, जब कभी आपको फियर आता है, वहाँ पर आप उस फियर को या फिर उस डाउट को, ठीक है, उस फीलिंग को, आपको जिसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे इस सिचुएशन में, उसको सरेंडर करना है, उसको समर्पित करना है, मेडिटेशन में जाना है, ठीक है, मेडिटेट करके और वन ऑन वन बात करके यूनिवर्स से, यूनिवर्स को सरेंडर करना है उस चीज़ को, जो भी चीज़ है, जो भी फीलिंग है, जो भी डाउट है, जो भी फियर है, उसको आपको बोल के सरेंडर करना है। आई एम अनेबल टू हैंडल इट, प्लीज़ टेक इट फ्रॉम मी। यूनिवर्स को दे देना है वो डर, वो डाउट, अपने आप को क्लीन कर लेना है उस साइड से। क्या आपको लगता है कि कोई भी इतना पावरफुल हो सकता है कि वो यूनिवर्स के प्लान्स को मोड़ दे? अगर आप टोटल सरेंडर में हो तो वो आपका कुछ बिगाड़ सके? क्या कोई भी दुनिया में इतना पावरफुल हो सकता है? तो इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओह, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन हो गई, अब मेरा क्या होगा, मेरी जॉब छूट गई, अब मेरा क्या होगा? तो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और प्लान किया है। वहाँ पे आपको ये वाला फीलिंग लाने कि नहीं, ये मेरी जॉब छूट गई है, ठीक है, इस टाइम पर ये है, तो मेरे लिए कुछ और है। यूनिवर्स के इशारे को समझना है, मेरे लिए कुछ और है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है जब दुनिया में हम रहते हैं, और एक पेरेंट कभी अपने बच्चे के साथ गलत नहीं कर सकता, तो वो तो यूनिवर्स हैं, इस पूरी धरती पर रहने वाले जितने बीइंग्स हैं उन सब के पेरेंट हैं, उन सब का ख्याल है उनको, उन सभी का ख्याल है उनको। तो क्या वो पेरेंट अपने बच्चों के साथ कुछ गलत होने देंगे या कुछ गलत करने देंगे? लेकिन होता क्या है, जिस तरह पेरेंट एक बच्चे को मान लीजिए खिलाता है, ठीक है, उछालता है, उसको फिर वापस गोद में उठाता है, जब वो बच्चा फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है, बच्चे को पता है कि मेरा पेरेंट मुझे कभी गिरने नहीं देगा, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मुझे कभी गिरने नहीं देंगे, ठीक है। सो उतना यकीन यूनिवर्स पे रखना। आज लाइफ में धक्के लग रहे हैं ना, लगने दो, आपके पेरेंट हैं वो, यूनिवर्स, वो संभालेंगे। जाके लोगों से प्यार की भीख नहीं मांगनी है, जाके लोगों से मदद की भीख नहीं मांगना, नीडीनेस से ऑपरेट नहीं करना, ठीक है, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करना है, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करना है। देखिए, आप बीइंग अ पेरेंट, जब आप एक पेरेंट होते हैं, ठीक है, या फिर आपके अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लीजिए, तो बहुत जनरल सा एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारा बच्चा या हमारे पेरेंट्स के सामने हम किसी अदर पर्सन से कुछ भी डिमांड करते हैं, कुछ मांगते हैं, मान लीजिए हमारा पेरेंट वहाँ पर है मौजूद और हम किसी और से कुछ मांग रहे हैं कि अंकल मुझे ये दिला दीजिए, आंटी आप मुझे ये दिला दीजिए, तो सोच के देखिए कि उस पेरेंट को कितना गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगेगा उस पेरेंट को कि मेरा बच्चा भाई किसी और से क्यों चीज़ मांग रहा है जब मैं हूँ, मेरे मौजूद होते हुए। तो यही चीज़ है, यूनिवर्स हमारे पेरेंट हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि जो वो प्यार इतना हमें देते हैं उसके बावजूद हम जाके किसी और से प्यार की भीख मांगते हैं। उनका प्यार हमारे लिए कम पड़ रहा है, हम जाके किसी और के सामने हाथ फैला रहे हैं कि तुम हमें पूरा करोगे, प्लीज़ तुम हमें प्यार दो, प्लीज़ तुम हमें रिस्पेक्ट दो, डिमांड करते हैं हम डिमांड करते हैं जब किसी और से, तो क्या वो भी हमारे पेरेंट हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा?
सो ऑलवेज डिमांड फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स से मांगो, वो हैं, बैठे हैं देने के लिए। उनको पता है किसको क्या चाहिए, उनको पता है किसको क्या चाहिए। दिक्कत हमेशा यूनिवर्स के साथ नहीं है, दिक्कत हमारे साथ है। हम बोलते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, वो कभी मुझे कोई सुख नहीं मिला। अरे भाई, दिक्कत आपके साथ है। आपने कभी उन पे यकीन किया? आपने कभी उन पे उनको सरेंडर किया? नीडीनेस से नहीं, मंदिर में जाके भगवान जी प्लीज़ ये दे दो, भगवान जी प्लीज़ ये दे दो, ऐसे नहीं। जो आपकी लाइफ में सिचुएशन है, जो लाइफ आपकी लाइफ में इंसान है, जो जो सिचुएशन आपको बॉदर कर रही है, जो इंसान आपको बॉदर कर रहा है, जो आपका सेल्फ का ब्लॉकेज है, जो आपकी कोई आदत है, हैबिट है, गंदी आदत है, जो कुछ भी आपके अंदर है और जो आपको ब्लॉक कर रही है, आपको रोक रही है, आपको डरा रही है, आपको डाउट में ला रही है, फियर में ला रही है, उसको सरेंडर कर दीजिए। वन ऑन वन डिवाइन से बात करके, वन ऑन वन आप यूनिवर्स से बात करके, ऐसे बात करिए जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। कहिए उनको मुझसे नहीं संभाला जा रहा है, आप रखिए ये आप प्लीज़ मुझसे ले लीजिए। तो सरेंडर उस लेवल पे जाके, आपको यकीन है कि यूनिवर्स के होते हुए ना कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई आपसे कुछ छीन सकता है, ना कोई आपको उनसे ज़्यादा प्यार कर सकता है, ना कोई आपको उनसे ज़्यादा जिसको कहते हैं सेल्फ लव में ला सकता है। ठीक है, कोई और आपको प्यार देगा, ठीक है, वो बाहरी दिखावा दे देगा आपको, आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है, आपको प्यार दे सकता है। आपको यूनिवर्स जो देंगे वो अल्टीमेट लव है, वो अल्टीमेट लव है। यहीं पे बात आ जाती है जब आपका ये जो डिवाइन जर्नी में बात आती है। देखियो, जब आप 12th में आ जाते हो, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, 10th 12th में आते हो, छोटी सी जो लाइफ की सिचुएशन होती है जहाँ हमें बोर्ड का एग्ज़ाम पास करना होता है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम मान लो लाइफ का, ठीक है, तो देखो वहाँ पे आपको रियलाइजेशन होता है। क्या बोलते हैं भैया, रैंक बनानी है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रैंक बनानी, पास होना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और आपको ये कन्फर्म होता है कि आपकी मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी, आपकी मेहनत ही आपको पास कराएगी, आपकी मेहनत ही आपको, देखो वो जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, उस पे आपको इतना बिलीव है कि हो ही नहीं सकता, अगर मैंने अच्छी मेहनत की और अच्छा लिख के आया तो ज़रूर, क्यों मेरे नंबर कटेंगे? मेरे नंबर नहीं कटेंगे, क्यों कटेंगे मेरे नंबर? देखो उस पे आपको यकीन है। लाइफ की इतनी सी सिचुएशन के मामले में आपको एक इंसान पे यकीन है कि नहीं, दुनिया में कोई टीचर, कोई अध्यापक आपका नंबर नहीं काट सकता अगर आपने अच्छा लिखा है, अगर आपने फुल मेहनत की है, हम कॉपी रीचेक करवा लेंगे। और यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ के अंदर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो, आप अपने फियर्स और डाउट से ही बाहर निकलने को तैयार नहीं हो। यहाँ भी तो रखो कि अगर हम सब कुछ गॉड को सरेंडर कर देंगे, अगर हम उन पे विश्वास करेंगे, अगर हम उन पे यकीन करेंगे, तो ऐसा हो सकता है हम फेल हो जाएं लाइफ में, ऐसा हो सकता है हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फेल हो जाएं, ऐसा हो सकता है हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में फेल हो जाएं। तो यहाँ क्यों डाउट है भाई, यहाँ क्यों फियर है, यहाँ भी तो यकीन रखो। ओके, तो देखो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा करूँ। ये एग्जाम्पल कुछ नहीं, ये हम लाइफ की सिचुएशन को जैसे जैसे फेस करते जाएंगे आपके सामने आते जाएंगे, आपको खुद रियलाइज़ होता जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सरेंडर जब हम वर्ड सुनते हैं बहुत लगता है कि कैसे करना है, क्या करना है, सरेंडर कैसे करते हैं। कुछ नहीं, भगवान से बड़ा कौन है, कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है। और नहीं तो मेरे वाला तरीका अपना लो, मैंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे भजन सेव कर रखे हैं, मैं उनको जब भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी इधर उधर होने लगो, चलाओ सुनो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, उसके अलावा है कौन, कौन इतना उससे पावरफुल कौन हो सकता है, यूनिवर्स से पावरफुल कौन हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स से पावरफुल कोई नहीं है, बिलीव में कोई भी नहीं है। हर चीज़, हर इंसान, हर कंप्लीट,
आपका इनर वर्क में मन नहीं लग रहा है, तो ऑल्टरनेट ढूंढिए, ठीक है। आपका मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे नहीं है कि सब मेडिटेशन मेडिटेशन बोलते हैं, सबको मेडिटेशन होता है, मुझे क्यों नहीं लगता है मेडिटेशन, तो अब मैं क्या करूँगी, बैठती हूँ, रोज़ बैठती हूँ, रोज़ बैठती हूँ, रोज़ बैठती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, आपके लिए कुछ और होगा, आप प्रेयर्स करो, ठीक है। देखो मेरे साथ तो ये बहुत होता था, क्योंकि मैं एक चीज़ अगर लगातार करती हूँ तो मेरे लिए मोनोटोनस हो जाता है वो प्रोसेस, ठीक है, एक रास्ता आ जाती है। मुझे हल्का फुल्का उसके अंदर चाहिए होता है थोड़ा चेंज, ये अपनी अपनी नेचर की बात है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा, हाँ, इतना मेडिटेशन मेरा प्रॉपर हो नहीं पाता, मुझे प्रेयर्स में बड़ा मन लगता है, ये मेरी हमेशा से रही है, प्रेयर्स प्रेयर्स में चलते फिरते प्रेयर्स चलती रहती हैं, ग्रैटिट्यूड चलते फिरते, हर बात हर चीज़ जो हाथ में आएगा उसके लिए थैंक यू, जो चीज़ सामने आई है लाइफ में उसके लिए थैंक यू, कितनी सारी चीज़ें आसपास, कुछ नहीं, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको, बस ग्रैटिट्यूड, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, नई सिचुएशन भी आपने भेजी है, आप मुझे परखना चाहते हो, थैंक यू भगवान जी, मैं निकल के बताऊंगी, ठीक है। ये बस, ये सरेंडर के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये सब चीज़ें करनी है। मेडिटेशन में मन नहीं लगता, प्रेयर कर लो, प्रेयर में भजन मन नहीं लगता तो भजन कर लो, भजन में भी मन नहीं लग रहा तो और कुछ कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, अंदर तक शांत हो जाओगे, उसके बाद मेडिटेशन लग जाएगा, उसके बाद प्रेयर्स हो जाएंगी। और ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रेयर एंड ये जो ग्रेटिट्यूड हम पे करते हैं थैंक यू, इसमें तो कुछ एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इनमें आपका मन ना लगे, तो करिए, बस करते जाइए, रोकना नहीं है। बहुत से लिखते हैं मेरा इनर वर्क मैम रुक चुका है, अरे रुकता कैसे है इनर वर्क, समझ नहीं आता कैसे रुकता है इनर वर्क, रुक ही नहीं सकता, आप एक चीज़ नहीं कर पा रहे दूसरी कर लो, दूसरी नहीं कर पा रहे तीसरी कर लो, यूँ ही नाम ले लो, यूँ ही हाथ जोड़ लो, यूँ ही थैंक यू कर लो, बाहर निकलो आसमान की तरफ देखो, इस आसमान के लिए थैंक यू कर लो, इस ज़मीन के लिए थैंक यू कर लो, हर चीज़ के लिए थैंक यू कर लो, बच्चों की तरफ देखो उनके लिए थैंक यू करो, घर में जो जो चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू करो, आपके पास कितनी सुविधाएं हैं जो शायद लोगों के पास है भी नहीं, पर्स में जितना पैसा है उसके लिए थैंक यू करो, क्या करना है इनर वर्क के लिए, कुछ भी नहीं, इनर वर्क इज़ सो इजी, इनर वर्क इज़ सो इजी, उसको टफ बना दिया गया है, पता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दिक्कत ये होती है कि आप जगह जगह जाके सर्च करते हो इनर वर्क, और मुझे जानना है इनर वर्क के लिए, मेरा बेस्ट होना चाहिए इनर वर्क, देखिए जो आप करेंगे जिसमें आपका मन लगेगा वो चीज़ बेस्ट है आपके लिए, ऑलवेज कीप इन माइंड, वो चीज़ आपके लिए बेस्टेस्ट है, वो करो, वो आपका इनर वर्क हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट टू सरेंडर कर दो सब कुछ बाकी यूनिवर्स को, उनको उनसे वन ऑन वन बात करो, मेरी हीलिंग में हेल्प करिए, मुझे बताइए, मुझे गाइड करिए, मैं कहाँ हीलिंग की मुझे ज़रूरत है, एंड बिलीव मी वो आपको देते हैं, इशारे देते हैं, आपको पता लगता है, आपको अपना एक एक ब्लॉक समझ आता है, ठीक है। सो ये था वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।